हेलो चिल्ड्रेंस, आज हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जे एस पेंट का यूज करके एक शूज की शेप ड्रॉ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने लाइन टूल्स लिया, ठीक है, लाइन टूल्स। इसके बाद हमने एक यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लिया अपने हिसाब से, ठीक है। अब बिल्कुल सिमिलर लाइन मेरे को एक और चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, जिससे कि हमारी टू लाइन्स आ जाए। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसको रख दिया है बिल्कुल ऐसे, राइट। अब हम एक स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, छोटा सा स्क्वायर। इसको सेलेक्ट टूल्स की हेल्प से अपने हिसाब से हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, जैसे हम चाहें वैसे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, एक लाइन टूल्स चाहिए और यहाँ से एक हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, अपने हिसाब से। इसके बाद हम कर्व टूल लेंगे, कर्व टूल के हिसाब से एक लाइन खींचेंगे और इसको इस तरीके से थोड़ा सा मूव कर देंगे, जैसे शूज में हमारे होता है। इसके बाद हम एक यहाँ से कर्व लाइन को ड्रॉ करेंगे और थोड़ा सा ऐसे नीचे दिखा देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब हम कर्व लाइन को ही एक और लेंगे, ठीक है, कर्व लाइन ही ले रहे हैं हम, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे शो कर देंगे, ठीक है, हमारी शेप्स बन के आ रही है। अब हम यहाँ से शूज के लिए थोड़ा जूम किया है मैंने इसको फिल करने के लिए, राइट, जो हमारी लाइन है इसको मैंने कंप्लीट कर दिया और यहाँ पर भी इसे कंप्लीट कर दिया, जो ये एक्स्ट्रा हो गया इसको हमने इरेजर से रफ कर दिया है। अब हम जूम से इसको छोटा कर लेंगे, राइट। अब अपने हिसाब से हम इसमें एक लाइन जैसे मैंने लिए अपने हिसाब से छोटे छोटे से यहाँ पर जैसे इसमें होते हैं इसके फीते, ये हम शो कर देंगे, ठीक है, और अपने पसंद के हिसाब से जिस कलर से हम बनाना चाहते हैं शूज वो कलर हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, फिल कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर लिया है, ठीक है। अब जिस कलर के हम शूज को शो करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वही कलर हम यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर फिल किया, राइट, और यहाँ पर हमने ब्लैक कलर किया है। ब्लैक कलर के लिए जैसे मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, ये देखिए, इसके बाद हम जूम को ऑफ कर देंगे, ठीक है, यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे, ये देखिए, ये हमारे शूज ड्रॉ हो गए हैं। अब जो हमारा एक्स्ट्रा हो गया इसको भी हम जूम करके रीच कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। इसके बाद हम जूम से इसको छोटा कर लेंगे, ये देखिए हमारा शूज ड्रॉ हो के आ गया है। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, ये देखिए हमारे दो शूज तैयार हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक सेलेक्ट टूल्स की हेल्प से, टेक्स्ट टूल की हेल्प से एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम इसका नेम लिख देंगे शूज, राइट, शूज लिख दिया है। अब यहाँ पर हम कलर कर देंगे, जिस कलर से हम लिखना चाहते हैं वो कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। इसके बाद सेलेक्ट टूल्स की हेल्प से इसको हम थोड़ा सा सेंटर में रख देंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी इमोजीज भी हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट टूल लिया है, गूगल का जो कीबोर्ड है इसकी हेल्प से हम यहाँ पर कोई भी इमेज को शो कर सकते हैं। जैसे ये देखिए बहुत सारे फिगर्स, फ्लावर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, राइट, थोड़ा सा हमारा अट्रैक्टिव लगने लगे इसके लिए। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये एनिमल्स हैं, ये सब है, कुछ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमारी पेंटिंग सुंदर लगे, राइट। जैसे मैं यहाँ पर थोड़े से फ्लावर्स दिखा दे रही हूँ, ये देखिए फ्लावर्स, अंडरलाइन इसका ऑफ कर देते हैं, ठीक है, फ्लावर शेप्स ले लेंगे हम यहाँ पर अपने पसंद का कोई भी फ्लावर्स, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब थोड़े से स्टूडेंट्स अगर हम बच्चे बीच में दिखाना चाहते हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर कर्सर रखेंगे और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए दो बच्चे दिखा दिए मैंने यहाँ पर, ये देखिए। इस तरीके से हम जो है जे एस पेंट में, मोबाइल्स में जे एस पेंट का यूज करके कोई भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर हमने थोड़ा शूज शेप ड्रॉ करी है, राइट, और बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हैं वो भी हम सेलेक्ट करके अपनी पसंद के हिसाब से दे सकते हैं, ये देखिए
यहाँ से कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे पहले और यहाँ पर फिल कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जिस पेंट का यूज करके शूज को ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।